गेहूं, सरसों और आलू जैसी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है, किसान कतार में लगा है, डीएपी यूरिया खाद लापता है। यूपी और एमपी से एक जैसी तस्वीरें आ रही हैं। गोदामों के बाहर 3-3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हैं। 3-3 दिन से पूरा का पूरा परिवार लाइन में लगा है। 5-5 दिन बाद भी नंबर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक टोकन के लिए। इस एक टोकन के लिए बस्ती, रायबरेली, लखनऊ, छतरपुर, टीकमगढ़ जैसे कई शहरों से हाथापाई, मारपीट, हो हल्ला, हुड़दंग, हंगामे की एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं। फर्टिलाइजर की एक एक बोरी लेना जंग जीतने जैसा हो गया है। देश के गांव कस्बों से जो वीडियोस आ रहे हैं, आपको वो जरूर देखने चाहिए। बस्ती में मारपीट, छतरपुर में टोकन की लूट, लखनऊ में हंगामा। खाद नहीं दे रहे, हक जमा है, खाद निकल रही, नाम नहीं भरा रहे। हम कहते हैं हम लोग सदस्यता नहीं रख जाते हो भैया। टीकमगढ़ में मारा मारी, बुलंदशहर में बवा, यूपी से लेकर एमपी तक जो ये भीड़ नजर आ रही है, ये जो हंगामा और बवाल हो रहा है, ये देश का अन्नदाता किसान है जो खाद की किल्लत से परेशान है। रबी की फसलों का सीजन पीक पर है और किसान खेती बाड़ी का काम छोड़कर लाइन में लग रहा है। देश के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में डीएपी के लिए दंगल चल रहा है। खाद की किल्लत इतनी है कि किसान को कहीं एक बोरा तो कहीं दो बैग खाद दिया जा रहा है। किसान को खाद तभी मिलेगा जब उसके हाथ में टोकन होगा। टोकन के लिए किसान खाद गोदाम पर एक दो घंटे नहीं, 3-4 घंटे भी नहीं, 2-3 दिनों तक लाइन लगा रहा है। एक दिन में किसान 12 से 18 घंटे तक खड़ा रह रहे हैं। रात से लेकर अगले शाम तक वितरण केंद्र पर ही बैठ रहे हैं। सुबह 6 बजे से चाय पी कर निकल आया हूँ, 3 बार यार बस पर पहुँच गया, फिर धक्का मार कर निकाल देते, कैबिनेट में नंबर ना, और लाइन लगाया फिर टूट जाती, लाइन लगाया टूट जाती, ना कोई व्यवस्था है खाद वाली। बस्ते में किसान जब खाद लेने पहुंचे तो आपस में ही भिड़ गए, धक्का मुक्की शुरू हो गई, आपस में गुत्थम गुत्था होने लगा, मार मार की आवाज आने लगी। बस्ते में खाद के लिए जबरदस्त हंगामा हुआ, सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को मौके पर आकर बीच बचाव करना पड़ा। किसान घंटों खाद गोदाम पर लाइन लगा रहे, ऐसे में अगर कोई भी टोकन के लिए लाइन तोड़ रहा है तो किसान आक्रोशित हो जा रहे। ये यूपी के बुलंदशहर की तस्वीरें, जहां सैकड़ों किसानों की भीड़ खाद गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। जिनको टोकन मिल गया वो काउंटर पर टोकन लेकर खड़े, जिनको टोकन नहीं मिला वो टोकन के लिए मशक्कत कर रहे। जो खाद मिल रहा है वहाँ कायदा यहाँ मारा मारी हो रही है, लंबी लाइन लग रही है, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनका नंबर भी नहीं आ रहा है। तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ पर महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, मगर उनका नंबर नहीं आ रहा है। किसानों का कहना है कि यहाँ समय से जो खाद है, डीएपी है, वो नहीं मिल रही है, जिसको लेकर किसान परेशान है। और दूर दूर से सुबह से किसान 4 बजे से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र जी। क्या दिक्कत आ रही है? डीएपी नहीं मिल रही जी, खेत सूखे जा। तो क्यों नहीं मिल रही, क्या वजह? अब हमें क्या पता जी, अब सरकार जो ने गोदाम पर भीड़ इतनी कि भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस फोर्स लगानी पड़ रही। खाद लेने के लिए महिलाएं भी पहुंच रही, घर, बच्चा और काम सब छोड़कर खाद गोदाम पर लाइन लगा रही।
कोई सुबह 4 बजे से आया तो कोई सुबह 6 बजे से खड़ा। किसान सिर्फ खाद की किल्लत से परेशान नहीं बल्कि किसान खाद गोदाम अधिकारियों पर भी मनमानी ढंग से खाद देने का आरोप लगा रहे। बुलंदशहर की तरह ही खाद को लेकर हंगामा लखनऊ के मोहनलालगंज में भी हो रहा है। जैसे तस्वीर बुलंदशहर में दिख ठीक वैसे ही भीड़ असलम नगर सहकारी समिति पर नजर आई। यहां भी खाद लेने के लिए हजारों की भीड़ गोदाम के बाहर बैठी हुई दिखाई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आजकल किसान परेशान हैं क्योंकि खाद की किल्लत है। पूरे यूपी में करीब 90 लाख मैट्रिक टन डीएपी चाहिए होती है लेकिन अभी आधे से कम खाद की डीएपी की सप्लाई हो रही है, जिससे जो खाद केंद्र हैं उसके बाहर लंबी लंबी कतारें हैं, बहुत जगह खाद पहुंच नहीं रही। इस समय हम लखनऊ के मोहनलालगंज में हैं और ये असलम नगर का ग्रामीण सहकारी समिति है और जहाँ पे बाहर किसानों की भीड़ है, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको खाद मिलेगी। यहाँ पर पुलिस भी है जो यहाँ इस भीड़ को कंट्रोल करने में लगी है। खाद की क्या समस्या है, किस तरह की समस्या है, किसानों से बात करते हैं। यहाँ जो इतनी भीड़ है इसकी क्या वजह है? खाद सरकार की कमी है क्योंकि यहाँ पर खाद ऐसे 10 ट्रक आती थी, कम से कम 10 ट्रक, शुरुआती दौर में 3-4 ट्रक आ जाती थी और अब 1 ट्रक आई, आदमी यहाँ 400 बोरी खाद आती है, 400 यहाँ आदमी 800 हो जाता है। इनको भी दिक्कत, किसान को भी दिक्कत, आपस में लड़ते झगड़ते किसी तरह से कुछ आदमी पाते हैं, कुछ आदमी वापस चले जाते हैं, पूरा दिन खड़े खड़े लाइन में बीत जाता है, खाद नहीं मिलती। लखनऊ में खाद लेने आई भीड़ को पुलिस कंट्रोल कर रही थी। पुलिस ने महिला और पुरुषों को अलग अलग बैठाया था। लेकिन यहां भी किसान परेशान। लखनऊ में भी किसान समिति के सदस्यों और बाबुओं पर कालाबाजारी का आरोप लगा रहे, पिकअप में लदे खाद के बोरी की फोटो दिखा रहे। कितने साल से खेती करते हैं, इस समय खाद की कितनी कमी है? खाद की साहब अब तक का कोई कमी नहीं रही लेकिन अब की बार बहुत बड़ी कमी है और ये दलालन की वजह से कमी है। एक आदमी 10-10 बोरी 20-20 बोरी है, सदस्य उनका एक बोरी खाद नहीं मिलती है और जो सदस्य हैं मेंबर हैं उनका एक बोरी खाद नहीं मिलती है। अब दलाल लोग हर बार लेते हैं खाद। इस समय खाद की कहाँ कौन कौन सी फसल हो रही है जिसमें आपको जरूरत है? खाद गेहूं है साहब, और आलू है, मटर है, और लहसुन है, प्याज है, और क्या कहते हैं ये गोभी है, टमाटर है, बैंगन है, इसमें हर चीज की मतलब खाद की जरूरत है, डीएपी की। यूपी में सरकारी नियमों के मुताबिक 1 हेक्टेयर पर 3 बोरी खाद मिल सकती है। यूपी के 10-15 जिलों में इस वक्त खाद की किल्लत चल रही है। बुलंदशहर, लखनऊ, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, रायबरेली में खाद की कमी चल रही। हर साल खाद वितरण केंद्रों पर किसानों को यूरिया दिया जाता है लेकिन इस बार गोदामों पर भीड़ क्यों नजर आ रही, इसकी वजह जानने के लिए हमने अधिकारियों से बात। जो खाद आ रही है हमारे यहाँ वो जो है लेट आई है इसलिए भीड़ ज्यादा है और सरकार जो है उस हिसाब से दे रही है कि जैसे एक हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर 3 बोरी बस इस तरह है, तो इसलिए शॉर्टेज है कुछ। हाँ, काफी समय देर बाद आई है इसलिए जो है भीड़ ज्यादा लग गई। इसके पहले कब आई थी? इसके पहले अब बताना, कब बटी है? 5/11 में। हाँ, 5/11 में बटी थी। वैसे हर साल क्या होता था, ऐसी खाद की किल्लत नहीं इस समय? इस साल ये दिक्कत आई है, ये ज्यादा कम खाद आई है, ऐसे खाद आती रहती थी, आती रहती थी, लोग ले जाते थे। अब इस बार जो है दिक्कत है थोड़ा, इतने समय बाद आ रही, भीड़ इतनी है, इस तरह देख लो किस तरह हम लोग बांट रहे हैं। यूपी के खाद वितरण केंद्रों पर जैसी किसानों की भीड़ नजर आ रही ठीक वैसे ही तस्वीरें एमपी से भी सामने आ रही। एमपी में भी किसान खाद के लिए हंगामा कर रहा। ये एमपी के छतरपुर की तस्वीर, जहां खाद के लिए जब टोकन बटने लगा तो भगदड़ मच गई। लोग टोकन के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे, एक दूसरे को नीचे गिराकर टोकन लूटने लगे। कोई टोकन हाथ से छीनने लगा तो कोई टोकन के लिए दूसरे को नीचे गिराने लगा।
इस भगदड़ में किसान भी घायल हो गया। नाराज किसानों ने शहर में चक्का जाम कर दिया, लेकिन प्रशासन ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवा लिया और फिर से खाद बांटने का काम शुरू। 6 बजे के लगे लगे हाथ में मिला और पर्ची बना दिया, हमने पैसा जमा कर दिया। लाइन में जमीन पर बोरा और सदस्यता का बोरा उड़ न जाए इसलिए पत्थर से दबाया गया। मंदसौर में जिनको टोकन मिल चुका है वो इस तरीके से लाइन लगा रहा, लेकिन जिसका नंबर नहीं आया, जिनको टोकन नहीं मिला, वो हंगामा कर रहे। खाद की किल्लत एमपी के मंदसौर में भी, यहाँ किसानों को खाद के लिए कई दिनों तक लाइन लगानी पड़ रही, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। खाद की कमी से टीकमगढ़ में भी किसान परेशान, यहाँ भी किसान 3-3 दिन लाइन लगा रहा। किसान सुबह 4 बजे से ही खाद गोदाम पर पहुंचकर लाइन लगा रहे, शाम तक किसान लाइन में लगा रहता, लेकिन किसानों को खाद गोदाम से खाली हाथ लौटना पड़ रहा। आपको खाद नहीं मिला क्या? नहीं मिला, छोटे चार चार पाँच पाँच साल की बचकानी छोड़ के आए। नहीं तो आपको टोकन मिला क्या? कुछ नहीं मिला, दो चार पैसे बांट दी, वो नहीं मिल गया, मिल गया सब। आप कितने दिन से इधर आ रहे हैं? 3 दिन से। 3 दिन से और खाद नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया, 3 दिन से 4 बजे से आ गए, 6-7 बजे लोग खाद। टीकमगढ़ में इस बार किसानों को परेशानी इस वजह से हो रही क्योंकि इस बार खाद वितरण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। टीकमगढ़ में इस बार सोसाइटियों पर खाद वितरण नहीं किया जा रहा। टीकमगढ़ के मंडी परिसर में एक ही केंद्र बनाया गया। एक केंद्र होने के कारण पूरे जिले के किसानों की भीड़ खाद लेने के लिए इसी केंद्र पर पहुंच रही, जिससे भीड़ और हंगामा हो रहा। यूपी और एमपी में खाद की किल्लत हो रही है तो विरोधी सरकार को टारगेट पर ले रहे। यूपी में अखिलेश यादव खाद के लिए उमड़ रही भीड़ की तुलना नोटबंदी से कर रहे। एमपी में जीतू पटवारी और कमलनाथ मोहन यादव सरकार को टारगेट कर रहे। भारत में यूरिया के बाद सबसे ज्यादा खपत डीएपी की होती। हर साल 100 लाख टन डीएपी की मांग, जिसका अधिकांश हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। साल दर साल डीएपी के लिए भारत की निर्भरता आयात पर बढ़ रही। इस साल जनवरी से चल रहे लाल सागर संकट के कारण डीएपी का आयात प्रभावित हुआ। जहाजों को केप ऑफ गुड होप के माध्यम से 6500 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। इसके अलावा डीएपी की कीमत सितंबर 2023 में 589 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से लगभग 7.30% बढ़कर सितंबर 2024 632 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई। इसके अलावा और भी कई भू राजनीतिक कारण जिसके कारण आयात प्रभावित हुआ है।